अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोग के? सब ठीक ठाक हैं? आज हम आप लोग को सिखाएंगे स्प्लाइसिंग किस तरीके से बनाते हैं। ये स्प्लाइसिंग है, 2.5 इंच की रोप है जिसको हम स्प्लाइसिंग करेंगे, और नॉट की बजाय बेसिकली स्प्लाइसिंग की जाती है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, क्योंकि जितनी टाइट होगी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है ये। तो इन द एंड ऑफ द वीडियो आपको पता चलेगा कि आई किस तरीके से बनती है और उसमें क्या होता है, आपको पता चलेगा, देखते रहें वीडियो। तो आपने देखा कि शुरू में जो है हमने इन कॉर्नर पे रोप कट करने के बाद कॉर्नर पे वहाँ पे टेप लगा दिया था। अब इसको सीक्वेंसली हम रखेंगे ताकि जो है सीक्वेंसली इसको अंदर जाए। और ये श्रीलंकन है हमारे बंदे, ये यहाँ के, और ये पोसन है हमारे, और ये बना रहे हैं स्प्लाइसिंग। तो ये इसको प्रॉपरली इसको अंदर रखेंगे, ठीक है, लाइन बाय लाइन, इस तरीके से जिस तरीके से ये अंदर जा रहा है ऐसे ही जो है ना पैटर्न से जो है ना, इसकी 4 लेयर्स होती हैं इस रोप की, 4 लेयर्स, इसको एक एक लाइन के अंदर जो है ना 4 लेयर्स जाएंगी। और ये डबल डबल है कि दो रोप्स जो है क्या कहते हैं, मतलब एक लेयर में 2 रोप्स होती हैं, तो एक खाने के अंदर 2 दफ़ा डालेंगे इस तरीके से। और जब भी डालेंगे उसको प्रॉपरली टाइट करेंगे खींच के, तो ये चीज़ होती है। और इसमें होता ही है बेसिकली, इसको 2 तरीके से बनाया जाता है, ये डबल बना रहे हैं, लेकिन सिंगल सिंगल भी बनाया जाता है, लेकिन सिंगल सिंगल जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, और इस ये जो है इसको डबल डबल में थोड़ी सी जल्दी बन जाती है। तो ये होता है। और अभी देखें, ये 2 लेयर जो ये डाल देंगे, ठीक है, 2 लेयर्स डाल दी हैं अभी और ये टाइट कर दिए हैं। अब 3rd लेयर के ऊपर आएंगे हम, फिर उसके बाद 4th लेयर के ऊपर आएंगे। जब 3rd लेयर पे आते हैं तो वो भी थोड़ी सी जो है ना रोप अंदर जो है ना रोप के घुसने में टाइम लगता है। ये आई बन गई है और अभी 3री लेयर देखते हैं कहाँ पे किस तरीके से बनती है। 3री लेयर ढूंढी जा रही है, मिल जाए 3री लेयर, ये मिल गई इनको 3री लेयर। 3री लेयर के अंदर जो है क्या कहते हैं डालेंगे, फिर 4th लेयर जो होगी ना बेसिकली, तो 4th लेयर जो होगी ना बेसिकली उसके अंदर जो है थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज होती हैं, क्योंकि जो है उसके अंदर जिस तरीके से ये ईजीली हाथ से रोप को खोल के रोप डाल लें तो वो इतनी ईजीली नहीं जाती है। 4th वाली आ गई ये लेयर। अब ये 4th लेयर में आप देखेंगे सारी थोड़ी सी मुश्किल से घुसती है अंदर। अब ये टूब्स यूज़ करेंगे जिसको कहते हैं स्पाइक, वो इस रोप के अंदर डालेंगे 4th लेयर के अंदर, और फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं रोप इसके अंदर। अगले का पसीना गिर रहा है तो ये इसके अंदर डाली प्रॉपर्टी इसके अंदर डालते हैं पूरी, फिर इसको टाइट कर देते हैं खींच के टाइट। ये इस तरीके से पूरी जब तक रोप की है हाथ में तब तक ये रहेगी अंदर। तो आप देखें ये तैयार हो गई ये रोप, ठीक है, इसकी आई आपको दिख रही है, ये मेरा हैंड पड़ा हुआ है, तो ये इस तरीके से बन जाती है। चल तो ये मैं हूँ, ठीक है, जो ठंड मचा रहा था, और गर्मी बहुत तेज़ है, भले काम ना करो या कुछ भी ना करो, बाहर गर्मी में रहना बहुत हालत टाइट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।